गॉडेस ऑफ नाइट निक्स कैओस की बेटी थी। ग्रीक माइथोलॉजी में ज्यूस के अलावा भी कई सारे पावरफुल गॉड्स थे। गॉडेस निक्स उनमें से ही एक थी। निक्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उनका जन्म पृथ्वी पे नहीं बल्कि गाया में हुआ था। गॉडेस निक्स एक आदि शक्ति है। ये कहा जाता है निक्स की सूचना दुनिया के जन्म से पहले हुई थी। उनकी छाया जैसी आकृति उनके साथ रात के संपर्क को दर्शाती है। गॉडेस ऑफ नाइट होने के साथ साथ निक्स सितारों की भी रानी थी, क्योंकि सितारे रात के अंधेरे में चमकती हैं। ग्रीक माइथोलॉजी में ये कहा गया है कि गॉडेस निक्स ने गॉड ऑफ डार्कनेस एरेबस से शादी की थी, जिसके वजह से हिप्नोस, एथर और हिमेरा का जन्म हुआ। निक्स के ये तीनों बच्चे गॉड ऑफ लाइट्स थे, उनके पेरेंट्स से बिल्कुल विपरीत। गॉडेस निक्स टाइटरस की गहराइयों में रहती थी। जब रात होने का समय हो जाता था, तब गॉडेस निक्स गुफा से निकल आती थी अपने पति एरेबस के साथ, जो पृथ्वी पे रोशनी को आने से रोकते थे, जो उनके बेटे एथर से निकलता था। अगले दिन हिमरा टाइटरस से निकल के सारे अंधेरे को मिटा देती थी, लेकिन बाद में एथर और हिमेरा का काम एओस, हेलियोस और एपोलो को दे दिया गया। हिप्नोस, एथर और हिमेरा के अलावा भी निक्स के कई सारे बच्चे थे, जिनके अंदर डार्क पावर्स थे, जैसे थेमाटोस, एरिस, गेरियस, मोरोस, निमेसिस, ऐसे कई सारे पावरफुल गॉड्स। इतने पावरफुल गॉड्स के माँ होने के कारण सब गॉड्स गॉडेस निक्स को बहुत सम्मान करते थे, ऐसे कि गॉड ज्यूस गॉडेस निक्स से बहुत डरते भी थे। इस गॉडेस की वर्शिप विचक्राफ्ट में किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और जाने से पहले मेरे चैनल मिथिस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले, क्योंकि मैं मेरे चैनल पे ऐसी वीडियोस लाती रहती हूँ।